हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर फ्रांस में बिल्डिंगों पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर चिपकाए थे। इस बात से पूरे विश्व स्तर पर मुस्लिम समाज क्रोधित है। हर जगह फ्रांस के राष्ट्रपति के पुतले जलाकर मुस्लिम समाज निषेध व्यक्त कर रहे हैं। इसी वजह में आज अमन सामाजिक संगठना, राजवीर संगठना, विविध संगठनाओं द्वारा अमरावती जिलाधिकारी मार्फत भारत के राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री को फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ निषेध निवेदन दिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जिस नामर्दूद ने गुस्ताखी की, आज पूरे मुल्क में नहीं पूरे दुनिया में उसका विरोध किया जा रहा है। आज हम अमरावती के अंदर जो कलेक्टर है यहाँ के, उनके मार्फत राष्ट्रपति और दिगर विभागों के अंदर एक निवेदन के माध्यम से फ्रांस के राष्ट्रपति का विरोध कर रहे हैं और गुस्ताखे रसूल को सज़ा मिलनी चाहिए और उसके जो प्रोडक्ट है उसका बायकॉट होना चाहिए। यही हमारी जो अमन सामाजिक संगठना है रहमत नगर की, इसके मार्फत हमारा यही भारत सरकार से निवेदन है कि उस राष्ट्रपति का भारत के अंदर आना जाना भी बैन होना चाहिए और उस पर गुनाह दाखिल होना चाहिए और उसके प्रोडक्ट का बायकॉट किया जाए। गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। आज माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हमने निवेदन दिया गया और एमुअल मार्कन के विरोध में फ्रांस की जो है मुर्दाबाद के नारे लगा करके माइक एमुअल मार्कन का पुतला जलाया, बच्चे का दहन किया और भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से हमने ये विनती की है कि भारत में माइक एमुअल मार्कन को फ्रांस के राष्ट्रपति को बंदी लाए और उसे आने ना दे। दूसरी बात, भारतीय दंड प्रमाणे उस पर कायदेशीर कार्रवाई करें। इस मांग की हमने इस मांग का निवेदन माननीय जिलाधिकारी साहब को दिया है और साथ ही माइक्रोन का जिलाधिकारी कार्यालय के सामने पुतला जलाया। जो हमारे समाज को बोलेगा, मुस्लिम समाज को बोलेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार के शान में हजरत मोहम्मद पैगम्बर के शान में गुस्ताखी के माफ नहीं करेंगे। यही हमारा मूल विवाह से संबंधित सभी व्यवसाय शुरू को लेकर विवाह संघर्ष कृति समिति अमरावती का आंदोलन। कोरोना वायरस के कारण विगत 8 माह से पूरा देश बंद था। उस वक्त सारा बंद, सारा तरफ लॉकडाउन था। विगत 2 महीने से धीरे धीरे कोरोना की महामारी जैसे जैसे कम हो रही है, शासन, केंद्र शासन, राज्य शासन सारी चीज़ें खोलते जा रही है। सारा शहर चालू हो गया, बस चालू हो गई, टैक्सी चालू हो गई, बार चालू हो गए, होटल चालू हो गए, रेलवे चालू हो गई, सारी चीज़ें चालू हो गई। लेकिन आज तक विवाह से संबंधित इसके लिए राज्य शासन ने 50 लोगों के ऊपर परवानगी दी नहीं है, जबकि विवाह संस्था के नाम से डेकोरेशन वाले, कैटरिंग वाले, लॉन वाले, बैंड वाले, जनरेटर वाले, घोड़ी वाले, लाइट वाले, डीजे वाले, सारे ऐसे अमरावती ज़िले में तकरीबन 1.25 लाख लोग जुड़े हैं। राज्य शासन को हमने 3-4 बार अभी तक निवेदन दिया है, मोटर बाइक रैली निकाली है, सब किए, लेकिन बेबस प्रजा और सोया हुआ राजा ऐसी कंडीशन है। इस कारण आज हमारे महाराष्ट्र एसोसिएशन की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में आज के दिन सुबह 11 से 5 बजे तक हम धरना और आंदोलन कर रहे हैं। यह हर जिले में, हर तालुका लेवल पे हो रहा है। हमारी शासन से एक ही विनंती है कि कृपया, हमारा सीजनेबल धंधा है, हमारा, हम सब मुहूर्त पे काम करने वाले लोग हैं, तो इस व्यवसाय को बचाने के लिए, हमको भूखमरी से बचाने के लिए पूरे महाराष्ट्र में पिछले 2 महीने में 17 मंडप, कैटरिंग या विवाह संस्था से जुड़े लोगों ने आत्महत्या की है। तो ये सारा बचाने के लिए कम से कम 500 लोगों की अनुमति दे। हम सारा कोरोना से, वायरस के बचाव में सारा सैनिटाइजर से लेके, मास्क से लेके सब करने का हमने आश्वासन दिया है, फिर भी सरकार इस पर नहीं ध्यान नहीं दे रही, इसलिए ये सब आंदोलन धरना हमें कर